जीवन की मूल इकाई कोशिका। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जीवित प्राणी किससे बने हैं? पेड़ पौधे, जानवर और हम मनुष्य सभी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जैसे ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमें उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। जबकि मनुष्य, पेड़ पौधे जैसे जीव बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने बोतल की कार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचनाएं देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज थी। कोशिका के अंग। जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे और सामान होते हैं, वैसे ही कोशिका में भी अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकांग। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत होती है, जो उसे अपने आसपास के वातावरण से अलग करती है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और यह नियंत्रित करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और कौन से बाहर निकल सकते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें अन्य सभी कोशिकांग तैरते रहते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिका के सभी कार्यों को निर्देशित करता है। इसमें डीएनए होता है, जो हमारी आनुवंशिक जानकारी का वाहक है। अन्य महत्वपूर्ण कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि शामिल हैं, जो सभी मिलकर कोशिका को जीवित रखने और उसके कार्यों को करने में मदद करते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं। मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल और साधारण होती हैं, जिनमें केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हैं। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती हैं और इनमें एक विकसित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। पादप, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक के अंदर सुरक्षित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कोशिका द्रव्य में एक निश्चित जगह पर स्थित होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कोशिका के कार्य। कोशिकाएं कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन और परिवहन शामिल हैं। पोषण के माध्यम से कोशिकाएं अपने अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री प्राप्त करती हैं। श्वसन के दौरान कोशिकाएं भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करती हैं। उत्सर्जन के माध्यम से कोशिकाएं अपने चयापचय के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देती हैं। वृद्धि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जहां एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। प्रजनन के माध्यम से कोशिकाएं आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। परिवहन प्रक्रियाओं के माध्यम से कोशिकाएं पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका के अंदर और बाहर ले जाती हैं।